हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए, सरकार कई बार आपके कर्ज को माफ़ करने की बहुत सारी प्रक्रिया बना के रखती है। सरकार का कंसर्न क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आरबीआई हो या कोई भी, क्या उनका ये मकसद होता है कि कस्टमर को परेशान किया जाए? क्या कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास इतना अथॉरिटी होता है कि वो खुलेआम अपने कस्टमर को परेशान कर सकता है? तो आखिरकार आजकल जो मामले दर्ज किए जाते हैं जहां पर कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, और ख़ास करके रिकवरी वाले मामले में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हर साल ये देखने को मिलता है कि बैंक की मनमानी कहीं ना कहीं बढ़ती है और कस्टमर को परेशान किया जाता है। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्या कोई भी बैंक से एनबीएफसी कंपनी से बात नहीं कर सकता? कैसे कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है? तो सबसे पहले हम आपको बात करें कि देखिए, हमारे देश में हर बार कोई भी बैंक जब लोन नहीं रीपेमेंट हो पाता है, जब पैसे नहीं जाते हैं, तो एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में बात करती है जिसको सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट का वो लोग इस्तेमाल कहीं ना कहीं अपने एनपीओ को छुपाने के लिए करती है। देखिए, कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी का जो मेन टारगेट क्या होता है, आपके लोन नहीं होते, बैंक को नहीं चाहिए आपसे पैसा, बैंक रिकवर नहीं करता, क्योंकि बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली उनके इनकम सोर्स का बहुत ही माइनर पार्ट है, और जो खास करके आपको दिया जाता है वो तो बिल्कुल 0.00001 में आता है, क्योंकि बैंक जो रियली कमाता है वो कॉर्पोरेट लोन से कमाता है और बैंक का जो मेन इनकम सोर्स होता है वही होता है। पर आप लोगों का सवाल होगा कि क्यों बैंक हमें परेशान करती है, क्यों रिकवरी एजेंट हमें परेशान करते हैं। देखिए, आपने कभी भी किसी भी बैंक कर्मचारी को या किसी भी एनबीएफसी कंपनी कर्मचारी को किसी पुलिस वाले से, किसी एडवोकेट से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से उलझते नहीं सुना होगा कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या नॉलेजेबल है? तो ये पूरी समस्या आती कहाँ है कि आपके नॉलेज का। देखिए, बहुत सारे लोग अपने लोन में बहुत ज़्यादा छूट ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सिर्फ सही जानकारी हो तो आप अपने लोन का 80% तक माफ़ करा पाते हो, और ये सरकार के द्वारा आरबीआई और यहां पे बैंक की मंजूरी से होता है। और आपने देखा होगा कि हर साल एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जहां पे आप देखते होंगे कि बैंक ने इतने लोन को राइट ऑफ कर दिया, बैंक ने इतने परसेंटेज ऑफ लोन को राइट ऑफ कर दिया। आखिर ये किसी न किसी का तो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप घर बैठे अगर बोलोगे कि हम अपने पैसे को नहीं रिपेमेंट कर पाएंगे, हम पैसे नहीं दे सकते, हम बहुत ज़्यादा गरीब है, तो क्या आपको लोन से छुटकारा मिलेगी? नहीं। देखिए, इसी जगह पे जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो जानकार पर्सन होते हैं, वो अपने लोन को डिस्काउंट करवाते हैं। उनको जब ईएमआई भरने के लिए समय चाहिए तो उनको समय भी मिलता है, और उसी टाइम पर एक मजबूर इंसान, एक गरीब इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको जानकारी नहीं है, जिसको नहीं पता है कि कैसे बैंक से डील करना है, बैंक के सामने सबसे पहला चीज़ गिड़गिड़ाना नहीं है। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखे हैं, अपने सब्सक्राइबर को देखते हैं, बैंक के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि मालिक ये कर दो, मालिक वो कर दो। ज़रूरी ही नहीं है, बैंक अपना एक बिजनेस चला रहा है, बैंक जिसमें एक लोन प्रोवाइड करता है, बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा है, ये पूरा बिजनेस का मॉडल है। अब लोगों का क्या समस्या होता है कि बैंक रिलेशनशिप से निभाने लगते हैं ये लोग सोचते हैं कि मेरा व्यवहार खत्म हो जाएगा सामाजिक। देखिए, बैंक कभी ये नहीं सोचता, बैंक पूरी तरह से बिजनेस मॉडल पे चलता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं इमोशन के पार्ट को साइड करके बिजनेस के पार्ट में सोचना चाहिए कि क्या हमें ये लोन रीपेमेंट नहीं कर सकते तो क्या ज़रूरी है कि हम अलग अलग से पैसे लें? और आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है ना, मैंने लोन के रिगार्डिंग देखा है कि लोग एक लोन को चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस महीने भी बहुत सारे लोन माफ़ होंगे, और अगले महीने जो कि सितंबर का है, सितंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा खास होता है। मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी लोग इस महीने सोच रहे हैं कि अब उनको लोन सेटलमेंट करवाना है, अपने लोन को वो सेटल करवाने का सोच रहे हैं, तो सेटलमेंट के लिए सितंबर का महीना सबसे अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, बैंक आपको ऑफर कर रहा होगा, सेटलमेंट ऑफर कर रहा होगा, बैंक आपको बोल रहा होगा कि हम आपके साथ सेटलमेंट कर लें, पर देखिए, बैंक के साथ सेटलमेंट करने का सबसे बड़ा परेशानी क्या पता है, बैंक एनओसी नहीं जारी करता। बैंक पैसे मांगता है कि एक काम कीजिए, एक टोकन मनी जमा कर दीजिए, टोकन मनी के बाद ये वेरिफिकेशन होगा, अगर हम सीनियर को ट्रांसफ़र करेंगे, सीनियर अप्रूवल दे देंगे, तो हम आपके लोन में रियायत दे देंगे। पर मैं आपको बताता हूँ, किसी के लोन को नहीं रिलीफ दिया जाता। वो एक महीने बाद आपको बोल देंगे कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया जो सेटलमेंट के लिए गया था। अब इससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब पॉइंट है कि अब मान लीजिए सर, हमें सेटलमेंट करवाना है और सितंबर में ही सेटलमेंट करवाना है, तो क्या बैंक अच्छा है कि लोक अदालत? मैं आपको बोलूँगा साफ तौर पे लोक अदालत। सबसे पहला कि लोक अदालत में जो समझौता हो रहा है
वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है, ना कि बैंक कर्मचारी के सामने। और मजिस्ट्रेट के सामने जब आपका समझौता होता है तो बैंक का यहाँ बेईमानी करने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे आपको जो परसेंटेज मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। मैं क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में बोलूँगा तो क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में आपको 80% तक मिल जाता है। तो बेनिफिशियल यही होता है कि कभी भी आप लोन सेटलमेंट कराओ तो लोक अदालत से कराएं, जहाँ पे डिस्काउंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब दूसरा पॉइंट, सितंबर में ही कराना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए सितंबर के समय, देखिए जितने लोगों ने अप्रैल मई से ईएमआई नहीं पे किया तो बैंक तो उन पे, ऐसा थोड़ी है कि जो लोन लेने दे रहा है उसको छोड़ देगा बैंक, इस तरह से तो कोई पैसे नहीं देगा। तो बैंक क्या करता है कि अब लीगल एक्शन लेने का सोच रहा है। अब जितने व्यक्ति सितंबर के समय में सेटलमेंट करवाएंगे या सेटलमेंट कराने के लिए अप्रोच करेंगे या लोक अदालत जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पैसे नहीं दे रहे पर बैंक के सामने प्रेजेंट है, बैंक को अप्रोच कर रहे हैं, बैंक से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। पर जितने व्यक्ति सितंबर के समय नहीं कराते हैं तो वैसे लोग खुद ये उनको इनिशिएट करते हैं कि अब आप लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब कोई जवाब नहीं देंगे तो बैंक पैसे रिकवर कैसे करेगा? ऑब्वियस सा चीज़ है कि आप पे अब वो लीगल एक्शन नहीं लेगा। और अगर मान लीजिए आप कुछ दिन अगर रुक सकते हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सितंबर से अच्छा डिस्काउंट आपको दिसंबर में मिलेगा और दिसंबर से अच्छा डिस्काउंट आपको मार्च में मिलेगा। पर ये डिपेंड करता है कि अगर बैंक आपके लिए इतना दिन रुक सकता है, अगर आप बैंक को इतना दिन टाल सकते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन होने जा रहा है, इस डेट को भूलिएगा नहीं और इस डेट को पूरी तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।